हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का। दोस्तों, अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कक्षा 11वीं भूगोल के पेपर का किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों, इसमें आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। दोस्तों अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ली तो दोस्तों आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और सोल्यूशन भी आपको इसका बताया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ, सही विकल्प चुनिए, 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। पहला दिया हुआ क्वेश्चन, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न से में से कौन सी अवधि लंबी है, यौन, महाकल्प, कल्प या फिर युग। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है, पवन, हिमनद, भूमिगत जल या फिर नदी। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, रेगर मृदा दूसरा नाम है, लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा या फिर लैटेराइट। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सी नवीन पूर्व श्रृंखला है, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली या फिर विंध्याचल। 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है, जंतु, पौधे और प्राणी या फिर सभी जीवधारी। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 6 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए, तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, सत्य बताइए, 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों देख सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर सीरियल से दिए हुए, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। दोस्तों अब हम सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए। पहला क्वेश्चन दिया था आपका बहुविकल्पी का, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ग्रीक। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है, यौन, महाकल्प, कल्प या फिर युग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यौन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है, पवन, हिमनद, भूमिगत जल या फिर नदी। तो उत्तर हो जाएगा इसका पवन। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, रेगर मृदा दूसरा नाम है, लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा या फिर लैटेराइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका काली मृदा। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी नवीन पूर्व श्रृंखला है, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली या फिर विंध्याचल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हिमालय। 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है, जंतु, पौधे और प्राणी या फिर सभी जीवधारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सभी जीवधारी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगोल प्राकृतिक एवं रिक्त स्थान विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सामाजिक। 2ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट रिक्त स्थान शैलों का उदाहरण है, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका धरातलीय। 3ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटा महासागर रिक्त स्थान है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आर्कटिक। 4ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना रिक्त स्थान नदी पर बनाई गई है। तो उत्तर हो जाएगा इसका नर्मदा। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सारगासो सागर रिक्त स्थान महासागर में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा इसका अटलांटिक। 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ, रिक्त स्थान तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका धरातलीय तरंगे।
तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए, पांच नंबर का आएगा एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है, तो खंड आ में दिया हुआ सूर्य तप, तो इसका मिलान हो जाएगा सौर विकिरण। जल्दी से मिलान करते जाइए अपनी कॉपी में। दूसरा दिया हुआ नदी अपरदन, तो इसका मिलान हो जाएगा वी आकार की घाटी। तीसरा दिया हुआ गांधी सागर बांध, तो इसका हो जाएगा चंबल। चौथा दिया हुआ है उपसौर, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 जनवरी। पांचवा दिया हुआ स्थानांतरित कृषि, तो इसका हो जाएगा उड़ीसा व छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका सिस्मोग्राफ। दूसरा दिया हुआ है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6° 45' उत्तरी अक्षांश। चौथा दिया हुआ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 32 मीटर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी देख सके कि उनके एग्जाम में किस प्रकार से पेपर, किस प्रकार से क्लास 11th ज्योग्राफी का पेपर आने वाला है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है भारत के इन अक्षांशों के बीच स्थित है, उत्तर हो जाएगा इसका 8° 4' और 37° 6'। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 40,075 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है सत्य बताइए, 6 नंबर का आएगा। तो पहला दिया हुआ है विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सत्य। दूसरा दिया हुआ है विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 27% भारत में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। तीसरा दिया हुआ है परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों को कोई क्रिया नहीं करती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। चौथा दिया हुआ है गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सत्य। पांचवा दिया हुआ है भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उत्तर हो जाएगा सत्य। छठा दिया हुआ है लैटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर छठा बायोम क्या है, अथवा में दिया हुआ है हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं, तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना, जो भी उत्तर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता हो तो उसका आंसर आपको एग्जाम में दे देना है। फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, 8वां दिया है, सारे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, तो आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।